हम लोग को जो जानकारी मिली उसके हिसाब से वो सेप्टिक टैंक में उतर के सफाई कर रहे थे और मोटर खराब हो गया था। मोटर खराब नहीं था भैया, दो दिन पहले और पानी खींचे हैं, पानी मोटर पानी में खड़े होके खींचे हैं भैया। आज ऐसे कोई भाई नहीं है भैया, मेरे भाई का पूरा तो पहले सरकारी अस्पताल में लेके गए। हाँ, सरकारी अस्पताल लेके गए, मेरी मामी गई थी सामने में, उन लोग हॉस्पिटल में जिंदा था उसको पता है, उसको सीधा पहले प्राइवेट हॉस्पिटल छोड़ के सरकारी हॉस्पिटल में लेके आए। अरे भैया 10,000 लेके 15,000 ले लो, उसके बाद एक खत्म करो। कौन बोला, किसने कहा? जोहन सिन्हा बोला, जोहन सिन्हा। हाँ हाँ, हम लोग से बात तो क्या बोला, कार्यक्रम के लिए दे देंगे पैसा करके, पैसा भैया कार्यक्रम तो सबसे कर देंगे, मगर उसके बीवी बच्चे को कौन पालेगा। आज सुबह वार्ड नंबर 27 शास्त्री नगर से खबर आती है कि 35 वर्षीय ठेका श्रमिक की करंट लगने से मौत हो गई। दरअसल चंद्रमणि साहू जो कि राम अवतार ठेकेदार है उसके अंडर काम करता था, पूर्व पार्षद जोहन सिन्हा के घर में काम करने के लिए गया हुआ था। काम करने के दौरान सेप्टिक टैंक से पानी निकाला जा रहा था जिसमें मोटर डाला गया था, मोटर खराब हो जाता है, उसके बाद चंद्रमणि जो है वो सेप्टिक टैंक में उतरकर पानी निकालने का काम करता है। अचानक से वहाँ विद्युत प्रवाह होती है, करंट की सप्लाई होती है और करंट की सप्लाई होने के बाद चंद्रमणि को जोरदार झटका लगता है। आसपास के लोग तुरंत विद्युत प्रवाह को रोकते हैं और रोकने के बाद चंद्रमणि को वहाँ सेप्टिक टैंक से निकाला जाता है, अस्पताल लाया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, जहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद लोग जो हैं वो परिवार के लोग ज़बरदस्ती करके बीएम शाह अस्पताल में लाते हैं, प्राइवेट अस्पताल में, एक उम्मीद के तहत कि शायद जान बच जाए। तो यहाँ आते ही डॉक्टर जो है मृत घोषित कर देता है। परिवार के लोग हमारे साथ उनसे बातचीत करेंगे, उनकी धर्मपत्नी क्योंकि उनके दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आज बीएम शाह के सामने पूरा परिवार, पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या कुछ खबर मिली थी आपको, क्या कुछ जानकारी? वहाँ 6 बजे घर से गए भैया, दो आदमी आए थे लेने, बुलाए हैं वहाँ सेफ्टी टंकी में पानी खींचना है करके, वहाँ गए हैं बोर्ड में, वो मशीन वाला पिन खोचे, चालू करें, चालू करते बराबर करंट मारे हैं बोल रहे भैया, और जब निकाले हैं ना तो जिंदा था बोल रहे थे। वहाँ टैंक के अंदर उतरे सफाई करने तभी करंट मार दिया, मशीन चालू किए थे भैया पानी खींचने के लिए तब करंट मारे। हाँ, और ये जानकारी आपको किसने दी है? उसके साथ लेबर थे ना, वो घर में आए थे बताने, घर से आए थे तो लाल बहादुर में लेके गए थे। हम लोग को जो जानकारी मिली उसके हिसाब से वो सेप्टिक टैंक में उतर के सफाई कर रहे थे और मोटर खराब हो गया था। मोटर खराब नहीं था भैया, दो दिन पहले और पानी खींचे हैं, पानी मोटर पानी में खड़े होके खींचे हैं भैया, पानी में खड़े होके मशीन चला रहे थे तब करंट नहीं मारा भैया। कब से वो ऐसे ठेकेदारी का काम कर रहे हैं? तो बहुत साल हो गए भैया। और इसी ठेकेदार के अंदर काम कर रहे, राम अवतार के साथ ही काम कर रहे? नहीं, वो तो मशीन दूसरे के साथ काम करते हैं, मतलब वो जब मशीन का जरूरत पड़ा ना तो लेके गए थे, तो चल हाँ तब साथ में गए थे। किनके यहाँ काम चल रहा था कुछ बताया? अभी ये जोहन सिन्हा पार्षद के यहाँ। हाँ, क्या कुछ पता चला है अम्मा? मेरे घर से 6 बजे बोला ग्राम अवतार ठेकेदार लेगी से जोहन सिन्हा चल बोला तबे सेफ्टी के पानी खींचना की के राम अवतार उसका ठेका ले, वही ठेकेदार है और नाम लिया जोहन सिन्हा के, और राम अवतार लेगी मोर बेटा रहा पानी खींचना की के। उसके बाद क्या कहते वो एकदम खबर चले गए कि क्या कहते ताकि बिजली में चिपक गए ऐसे की गए। बोलते हैं मैं सोया था, मेरे को पता नहीं है, बोलते हैं जब करंट मारे तो अस्पताल लाए, तब कैसे पता चला भैया? किसको नहीं पता था, राम अवतार? हाँ, नहीं वो ही पार्षद को, पार्षद को नहीं पता। हाँ, काम चालू किया था, बोलते हैं मेरे को पता नहीं था, बोलते हैं अभी रात में इधर उधर फोन करा थे कि मत फंसो जन की कापत हुआ, याद है मैंने मलहम लगा दी डॉक्टर का कि ताकि इसका इलाज होए कि कहीं की के जो भाई का। आप उनकी बहन है ना? मैं उनकी छोटी बहन हूँ उनकी। जी, मेरे भाई जैसे कोई भाई नहीं है भैया, मेरे भाई का पूरा पहले सरकारी अस्पताल में लेके गए। हाँ, सरकारी अस्पताल लेके गए, मेरी मामी गई थी सामने में, उन लोग हॉस्पिटल में जिंदा था उसको पता है, उसको सीधा पहले प्राइवेट हॉस्पिटल छोड़ के सरकारी हॉस्पिटल में लेके आए। वहाँ से फिर आप लोग जिद किए कि प्राइवेट लेके आओ? हाँ, इन लोग जिद किए क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर वॉक्टर कोई नहीं थे भैया, हम लोग गए हैं तो ऐसे अकेला कुर्सी में बैठा दिए थे। डॉक्टर लोग नहीं थे सरकारी अस्पताल? लोग नहीं थे, और जो एडमिट किया ना वो फोन से बात कर रहा था, डॉक्टर ने लवारी जैसे उसको छोड़ दिया था, हम लोग जाके वहाँ पर चिल्लाए। कितने बजे हॉस्पिटल लेके गए होंगे? हम लोग 6:30 बजे गए, 6:30 बजे 7 बजे के करीब है। तब तक ये जिंदा थे? नहीं थे, हम लोग गए थे तो आप बाहर निकाले तब जिंदा थे भैया, हम लोग गए थे तो वो देख नहीं रहे थे, हम लोग देखे नहीं है कि जिंदे थे
वो जो काम कर रहा था वर्कर लोग जिंदा थे। आप साथ में गए थे? हाँ साथ में तो काम करने भी आप लोग साथ में ही गए थे? हाँ हम साथ में काम करते रहे वो करे मोटर जी से भी। क्या काम क्या था मेन काम? सेफ्टी टंकी से पानी निकालना जी से। तो ये चंद्रमणि का मोटर था? हाँ। फिर कैसे हुआ घटना? वो चालू करूँ करके अंदर घुसी से भी मोटर चालू करने की गिरे। फिर वो बोली से कि चालू कर बटन ला बोल के, काबर वो हमेशा चला देते हो कि जानते। तो चालू कर बोली से करंट मारी सो फट ले, पानी में गिर गए ऊंचे अंदर में। जैसे चालू किए मोटर करंट मारा? करंट मारी गिर गए वहाँ। फिर मैं वायर खींच के अंदर कूदे हूँ पानी में, वो निकाले बार निकाले हबन तो हफरतरी से भी। फिर वो लोग बिठा के गाड़ी में सरकारी हॉस्पिटल लेगी से भी। मैं नहीं जानू कि सरकारी लेगा कि प्राइवेट, मोर बाद में खबर मिली तीकर घर पर सरकारी अस्पताल जब ले गए। कब तक वो जिंदा थे क्योंकि आप उनके साथ? मैं तो साथ में नहीं था, मैं तो घर में। हाँ वो पार्षद थे ठेकेदार, मैं बताने के लिए घर चले गए। भैया प्राइवेट में लेके आते ना, आज मेरा भाई हमारे साथ में रहता है। मेरा भाई किसी का कभी कोई गलती नहीं काम नहीं किया। भैया मेरे भाई का बहुत चीज हम लोग उसके घर का रहता तो क्या सरकारी अस्पताल लेके जाता था कि मतलब डायरेक्ट लाइन लिया था कि घर से लाइन लिया था, ये बताएगा उसको कहाँ से लाइन था वो मोटर चलाने में? अब वो डायरेक्ट है कि घर से लिया था, खम्भा बांधा था बोर्ड में बांधा हुआ। हाँ वो मतलब घर की बिजली नहीं थी, खम्भे से बोर्ड लेके खम्भा में बोर्ड बांधा था, उसमें वायर डाला था। फिर एक बोर्ड और लगा था नीचे, एक बोर्ड और नीचे लगा था, उसमें उसका मोटर का वायर लगा था। उस करंट मारा गिरा ना, मैं तुरंत वायर खोला और गड्ढे में कूदा। मैं भैया भविष्य के लिए, मेरे भाभी और मेरी मम्मी का कोई देख रेख करने वाला कोई नहीं है। एक ही भाई उनका उम्र कितना है आपको दिख रहा है ना? उनका उम्र कितने साल तक रहेंगे? कौन पालेगा, कमा के कौन देगा? मामी काम में जाएंगे क्या? आप लोग क्या मांग कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप लोग? सत्तर लाख दे दे मोर बेटा, मन नाना ना हो मैं बता दो मोर बेटा जान गए या दू जन मिला मोर बेटा बला है मैं ये जो अंजनिया और राम अवतार ठेकेदार बड़े ठेकेदार तब करोड़ों पति है वो ना। मैं तो बहुत दूर वाले तुरंत का मांग ला दे तुरंत का दो। और कौन कौन है घर में अम्मा? मैं वो मोर बेटा रिचे दे मोर बहू अरे दो जन नाती है कोई नहीं है। हमेशा मैं बीपी वाली ऑक्सीजन मोर बंद हो जाते है, काली बंद हो ऑक्सीजन सांस नहीं, मोर कोई सहारा नहीं है। रोजाना कब काम पे जाते थे और कब वापस आते थे? वो काम के वो हाँ कभी जात नहीं से, साढ़े नौ बजे जात नहीं से आत नहीं से। ये जगह पहली बार गई से जोहन सैनिया के पास, अंत का मात रही। आपको बता दूं कि 35 वर्षीय ठेका श्रमिक चंद्रमणि पहली बार जोहन सिन्हापुर बासद यहाँ काम कर रहे हैं जी। उम्र चला थे बेटा, वो कर उम्र का ही नहीं हुआ, नान बच्चा है। अरे भैया 10,000 लेके 15,000 ले लो, उसके बाद एक खत्म करो। कौन बोला, किसने कहा? जोहन सिन्हा बोला, जोहन सिन्हा। हाँ हाँ हम लोग से बात तो क्या मतलब कार्यक्रम के लिए दे देंगे पैसा करके, पैसा भैया कार्यक्रम तो सबसे कर देंगे, मगर उसके बीवी बच्चे को कौन पालेगा? हाँ हम लोग को पूरा मुआवजा चाहिए, मजदूर आदमी को, बाल बच्चे को कौन पालेगा? बोलते शासन देगा, शासन के घर थोड़ा खत्म हुआ, उनके घर ही खत्म हुआ ना। वो क्यों वो प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं लेके गए, क्यों सरकारी हॉस्पिटल लाए? उनका परिवार में ऐसा होता तो सरकारी हॉस्पिटल लेके आता। सरकारी अस्पताल में भी तो इलाज होता है तो वहाँ नहीं, 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 नहीं सुबह कोई डॉक्टर नहीं रहता भैया। सरकारी हॉस्पिटल में आप बताइए जो है ना वो दूर था, ये पास है, काफी दूर है उससे। अच्छा घर से ये हॉस्पिटल नजदीकी अस्पताल में लेके जाते हैं, वही है कि पास में सुबह सुबह सरकारी अस्पताल में कौन सा डॉक्टर मिलेगा आप बताइए? मेरा भाई साथ बच जाता भैया, मेरा भाई बच जाता। इसमें पार्षद जोहन सिन्हा का लापरवाही है, सीधा सा पार्षद जोहन सिन्हा का लापरवाही है, उसके वजह से हमारे भांजे का जान गया। परिवार साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूर्व पार्षद जोहन सिन्हा की लापरवाही इसमें बताई जा रही है कि नजदीकी अस्पताल को छोड़कर सरकारी अस्पताल में ले जाना, शायद अगर नजदीकी अस्पताल में लेके आते तो जान बचने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आपको बता दें कि पूरा परिवार जो है वो बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए मुआवजे की डिमांड कर रहे हैं और साफ तौर पर बिना बिगड़ परमिशन से घर बनाते हो खंभा से लाइट लेकर काम तो जिस प्रकार से खंबे से डायरेक्ट लाइट को चुराना और फिर उससे काम करवाना, जिसे आप जानते हैं कि खंबे से जिस प्रकार से तेज हाई टेंशन वायर रहता है और तेज बिजली का प्रवाह वहां पे होता है और इसके कारण भी हो सकती है कि जो इलेक्ट्रिसिटी पास हुई हो वो इतनी तेज हो
कि मौके पर ही इतना जोरदार झटका लग गया। अब क्या कुछ चीज़ें हैं वो जांच का विषय, जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, परिवार कब तक शांत होता है, मुआवजे की राशि को लेकर मांग हो रही है उसमें क्या कुछ फैसला होता है, ये देखने वाली बात है। तब तक के लिए बन रही है हमारे साथ, हम आपको पल पल का अपडेट देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हाँ, बाउंड्री वाल और जो जगह था उसमें अपन सेफ्टी टैंक बना रहे थे, तो मैंने ठेकेदार को जो काम दिया है वो ठेकेदार के माध्यम से वो उस जो साहू जी है चंद्रमणि जो मोटर लेके आया था, वो मोटर लेके आया था पानी निकालने के लिए, और पानी निकालते हुए उसने मोटर चालू नहीं हो रहा करके पानी में डब जाले ना चालू नहीं हो रहा करके तो उसमें अंदर घुस गया, वो अंदर घुस गया। जैसे ही चालू मोटर हुआ वो हिलाने विलाने से तो वो करंट लग गया उसको, करंट लगने से वो गिर गया। गिर गया तो उसमें वो क्या है, गिरने से ना उसमें पानी था एक डेढ़ फीट पानी से गिरने से वो पानी पी लिया। पानी पीने के कारण वो मैं जब मेरे को बताए, मैं घर में था, वो साइड में नहीं था, मैं घर में सोया हुआ था, तो उठाए मेरे को भैया ठेकेदार ने कि वो इस टाइप का करंट लग गया। तो मैंने तत्काल उठा और तत्काल उठने के बाद में मैंने उसको लाल बहादुर अपने कार में लेके अस्पताल लाया। तो आप क्या सोच क्या मान रहे हैं कि मोटर में कोई फॉल्ट होने के कारण ये घटना हुई है? मोटर ही कारण है, मोटर में जो करंट है, करंट होने के कारण उसको शॉर्ट लगा। परिवार वाले मुआवजे की मांग कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? मुआवजे की मांग है, अपन लोग ने जो कोशिश कर रहे हैं कि जो सहयोग हो जाए वो सहयोग प्रदान करने करेंगे। इतना देर हो गया ना, ही चेहरा दिखा ना, ही कुछ भी चीज करवाया।